नमस्ते दोस्तों, आज मैंने सोचा चलिए आटा गूंदना सिखाती हूँ, क्योंकि जेंट्स को कभी ज़रूरत पड़ती है, बीवी मायके चली जाती है तो उन्हें आटा गूंदने में भगवान याद आते हैं। तो ये देखिए, ये होगा आटा 6-7 रोटी का। तो मुझे 10 रोटी बनानी है, तो ये देखिए ऐसा बर्तन है, इतने बर्तन में कटोरी है, ये तांबे की, बिल्कुल सरल तरीका। इसलिए सरल तरीका क्योंकि मेरे हाथ नहीं चलते हैं, तो आपको आता नहीं है और मेरे हाथ नहीं चलते, तो बिल्कुल अननोन पर्सन की तरह मैं बनाऊंगी कि जिसको बिल्कुल भी नहीं आता। देखिए ऐसे ऐसे डालते जाएंगे, बस इतना डाल के इस तरीके से इसको, क्योंकि दोस्तों मेरे हाथ थोड़े प्रॉब्लम है तो वो हाथ चलते नहीं है, इसलिए आप ऐसे समझ लीजिए कि मुझे आता नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ नहीं चल रहे हैं, आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उंगलियां साथ नहीं देती हैं, तो बिल्कुल इसीलिए आप भी सीख पाएंगे। देखिए बहुत कुछ नहीं कर रही मैं, बस ऐसे घुमा रही हूँ, और फिर इसके बाद इसमें थोड़ा पानी, बहुत थोड़ा थोड़ा डालेंगे। देखिए एक गिलास पानी लिया था, इतना पड़ा है पानी, अगर आपने ज़्यादा डाल दिया तो आपके पास उसका कोई भी हल नहीं रहेगा, और कम डालेंगे तो आपको, और बीच बीच में ऐसे ऐसे मुट्ठी बांधी और ऐसे ऐसे करते जाएंगे बीच बीच में। अब फिर ये बचा है, थोड़ा थोड़ा समेटेंगे, देखिए थोड़ा थोड़ा पानी, पूरा एक साफ ना करके आप आटा थोड़ा थोड़ा एक एक तरफ एक एक साइड का समेटते जाइए, फिर सबको एक साथ कर लीजिएगा। दोस्तों जिसको आटा गूंदना आता है उसको तो बहुत इजी लगता है, लेकिन जिसको नहीं आता, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, लड़कों को भी ज़रूरत पड़ती है कि आटा कैसे, कहीं विदेश चले गए तो या बाहर रहते हैं तो उन्हें आटा गूंदने में ही दिक्कत होती है। तो आटा मैं देखिए थोड़ा थोड़ा, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा समेट के दिखा रही हूँ। ये देखिए अब इतना, फिर ये इतना बचा है, इसको किनारे कर लेंगे और इसको ऐसे रख देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बस दोस्तों ऐसे सिमट गया। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, लेंगे और ऐसे छिड़क देंगे हल्का सा, और इसमें ऐसे ऐसे करके उंगली से गड्ढे बना देंगे। अब दोस्तों इसको 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अब आपसे 10 मिनट के बाद मिलती हूँ। दोस्तों 10 मिनट हो गए हैं। आप सबसे पहले आटा को करके रख दीजिए, तब तक सब्जी वब्जी करेंगे तब तक हो जाएगा। आप देखिए सब आपस में ऐसे सिमट गया, अब ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको ऐसे पलट के गीली तरफ से सब समेट लीजिए।
अब इसको भी ऐसे करके छुड़ा लेंगे। अब अगर आप इसमें थोड़ा रिफाइंड या रिफाइंड नहीं कोई घी वगैरह या तेल लगाना चाहते हो तो लगाइए, और ना लगाना चाहते हो तो मत लगाइए। ये देखिए अब इसमें इसको शिफ्ट कर लेंगे। कितना बढ़िया आटा तैयार है। देखिए मैंने घी ना घी लगाया ना आटा, और मैंने घी ना रिफाइंड लगाया, और बिल्कुल बढ़िया आटा तैयार है। ये देखिए रोटी बनाने के लिए देखिए ऐसा कुछ चिपक भी नहीं रहा। जरूरी नहीं है कि घी लगाया जाए। चलिए आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं गीतांजलि की दुनिया में। ओके बाय बाय, थैंक यू।